मैं हूँ शिवम, आप देख रहे हैं शिवम मोटोटेक। तो भाई आज अपने सामने है अर्बन क्रूजर हाईराइडर, जो कि अपनी इसमें वेरिएंट की बात करें, वेरिएंट अपनी आपको दिखाता हूँ पूरा। आप लोग देखकर तो पहचान गए होंगे, या नहीं पहचाने तो मैं बता देता हूँ, ये सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट है जो कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो वी हाइब्रिड वाली है। इसके ऊपर अब कुछ नहीं आता भाई, इसके ऊपर ना अब कुछ आता ही नहीं। यही सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट है जो आज हम रिव्यू लेकर आए हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी हम शूट कर रहे हैं काइजन टोयोटा जो कि जगदलपुर में है। किसी भी गाड़ी से रिलेटिव अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्प्ले में नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करके आप लोग देख सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके गाड़ी देखने भी आ सकते हैं। एंड ऐसा कुछ है पूरा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की लुक भाई, देखने में ना एकदम जो मस्त वाली फील आती है ना, नई सी एकदम न्यू जनरेशन टाइप की, जो फ्यूचरिस्टिक टाइप की, वैसे दिख रही है भाई, बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना भाई। तू बता, ऐसा भी अपने साथ भाई है, लेकिन क्या देखने में लगती है ना सामने से, एकदम किलर टाइप का भाई। ये तो अपनी ये कलर है, अगर दूसरी कलर वगैरह देखो व्हाइट वगैरह हम थोड़ी और बड़ी लगती है, बट इसमें ना एकदम खाती लुक निकल के आ रहा है अपना पूरा लुक अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर जो कि वी हाइब्रिड की, जो इससे टॉप भाई कुछ भी नहीं आता जैसे मैंने बताया। तो अभी सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसका। फ्रंट में अपने को ऐसा कुछ पूरा ब्रोडेस्ट लुक देखने को मिलती है टोयोटा की तरफ से। पेट्रोल में लॉन्च हुई है जो कि अपनी सेल्फ हाइब्रिड है, जो कि अपने चलते चलते बैटरी को चार्ज करती है, फिर अगर आप ईवी मोड में दबाएंगे तो इलेक्ट्रिक से चलना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपकी फ्यूल बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। तो इसके बाद अगर फ्रंट से हम बात करें तो इसका टॉपिक वेरिएंट में अपने को यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। एंड फ्रंट से ऐसा कुछ है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो इस टाइप का जो अपने को ग्रिल मिल जाती है जो कि कांच के अंदर है, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फर्स्ट नोटिस यही होता है आपको गाड़ी में। और पूरा यहाँ सामने से अगर बताऊँ तो नंबर प्लेट के ऊपर जो अपने यहाँ पे कैमरा देखने को मिलती है, कैमरा अपनी 360 डिग्री इसमें देखने को मिलती है। और ग्रिल की बात करें नीचे जो एयर इंटेक के लिए, वो इस टाइप की कुछ मिलती है, यहाँ पे होल दिए हुए हैं जो इंटेक होते हैं, बाकी यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक में काम हुआ है। एंड यहाँ पे ग्रे टाइप का यहाँ पे लुक आया है जो थोड़ी सी SUV वाली लुक देने के लिए। एंड यहाँ पे क्रोम का वर्क हुआ है, यहाँ जैसे यहाँ DRL के नीचे से ऐसे क्रोम पूरा अपनी देखने को मिलती है, और बीच पे टोयोटा की लोगो। एंड ऐसा कुछ पूरा लुक आ गया सामने से। और मैं आपको इस साइड में अपने को क्रोम में ढका हुआ अपनी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड ऐसा कुछ सब पूरा अपनी फ्रंट से लुक देखने को मिलती है टोयोटा हाईराइडर वी हाइब्रिड की। तो ऐसा कुछ था अपना इधर से। और ये डुअल टोन कलर मिलती है, इस पर कलर ऑप्शंस आते हैं बहुत सारी, आपके हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर लेफ्ट से मैं बात करूँ तो लेफ्ट से ऐसा कुछ दिखता है, और अगर अभी राइट से हम पूरा ओवरव्यू इसका बात करेंगे तो अगर राइट से देखें, राइट से ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और अगर सबसे पहले हम टायर प्रोफाइल की बात करें, 215/60 R17 इंच के अपने को डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ अपने शॉकअप इधर दिया हुआ है, एंड ऐसा कुछ पूरा लुक देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अपने को हाइब्रिड लिखा हुआ भी मिलता है, और यहाँ पे अपने को ओवरव्यू टर्न हैंड गेटर्स के साथ 360 के लिए कैमरा भी दिया हुआ है, जो आप चलते हुए बहुत आपको यूज़ में आएगा। एंड ऐसा पूरा अपने को देखने को मिलता है। और जो ब्लैक पार्ट में जो कंटिन्यू हो रही है, वो थोड़ी SUV वाली रगेज फील देने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। एंड यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट सेंसर मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर की बात आई गई है तो मैं आपको कुछ चाबी दिखाना चाहता हूँ। इसका पहले जो चाबी है कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर की, जो कि अपने देखने में ग्लेंजा बलेनो मतलब ऐसी जो मारुति से सिमिलर जो रहती है उसी सेम इसको कंटिन्यू किया गया जो चाबी, बस लोगों का डिफरेंस है, बाकी अपने बलेनो में भी ऐसे कुछ देखने को मिलती है। ऐसा कुछ था अभी यहाँ पे अपने को क्रोम का यहाँ पे हैंडल वर्क हुआ है, एंड यहाँ पे ब्लैक में डुअल टोन कलर है तो यहाँ ब्लैक का, और ऊपर में रूफ में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्रोम का वर्क हुआ है, यहाँ शार्पनर एंटीना जो कि पियानो ब्लैक में है, एंड यहाँ पे क्रोम वर्क, और ऐसा कुछ पूरा देखने को मिलता है। और दोनों साइड डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं आगे और पीछे, जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे, और ऐसा कुछ है पूरा अपना प्रोफाइल। और अगर इधर से पीछे से बात करें, पीछे अपने को ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि LED में अपनी लाइट जल रही है, जो कि इस टाइप की भाई रात में ना क्या खतरा लुक देखने को मिलती है इसमें। मैंने पर्सनली इसको देखा है रोड पे चलती हुई, क्या मस्त एग्रेसिव लगती है। और अगर पीछे से बात करो तो यहाँ स्पॉइलर टाइप की यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, एंड यहाँ पे वॉशर डिफॉगर वाइपर तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और ऐसा कुछ पूरा लुक देखने आता है, बीच में टोयोटा की लोगो, और यहाँ पे क्रोम का वर्क हुआ है बड़ा सा, और यहाँ पे अपने को कैमरा मिल जाता है पीछे, और यहाँ नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और यहाँ पे अर्बन क्रूजर हाईराइडर का बैजिंग। और पीछे से अगर देखो तो यहाँ पे अपने को इंडिकेटर्स वगैरह की सपोर्ट मिल जाती है जो बैक लाइट के साथ, और यहाँ रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि लुक भाई बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पीछे दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो रिवर्स आपको डिटेक्ट करके बताएगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और पीछे भी अपने जिस सामने कंटिन्यू हुई है ग्रे कलर की, उस टाइप की अपनी को बम्पर टाइप की देखने को मिलती है, और इधर भी सेम वैसी है, और ऊपर से ऐसा कुछ देखने को मिलता है, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो अच्छे से देख लो। और अगर हम राइट साइड से बात करें सेम ही है एज इट इज़, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर हम इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस अप्रोक्स मेरे को लमसम याद नहीं है, बट आप लोगों को डिस्प्ले में देखने को मिल रही होगी कितना इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और नीचे अपने को एक स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है नीचे, जो अपने को यहाँ पे स्टेपनी के द्वारा यहाँ पे दिखता है ये नीचे साइड से। और अभी हम सबसे पहले बूट ओपन कर लेते हैं इसका। बूट जैसे ओपन कर देना भाई, हाइड्रोलिक से यहाँ पे दो दिया हुआ है, एंड यहाँ पे होल्ड करके इसको नीचे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे पार्सल ट्रे दिया हुआ है, एंड ऐसा कुछ अपने को बूट स्पेस भी आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा कितना अपने को मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाते हैं, कुछ स्टोरेज एक क्या है हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप की दिखती है, जैसे अभी यहाँ निकल गई है तो इसको पहले हम इंस्टॉल कर देते हैं। भाई जो प्लास्टिक की मटेरियल यूज हुई है बहुत लो क्वालिटी की यहाँ पे यूज हुई है, और यहाँ पे कुछ टांग मांग सकते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है। एंड इधर से अपने को 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे देखने को मिलती है, जो कि हमने यहाँ से केबल ले जा सकते हैं। और यहाँ पे अपने को लाइट देखने को मिलती है जो हैलोजन जलती है, और यहाँ पे भी सेम वैसे स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पार्सल टाइप का। दूसरा क्या है, दूसरा है भाई ऐसे उठाएंगे, ये पहले निकल जाएगा, ये थोड़ी स्टोरेज बन जाएगी अगर इसको हम निकालेंगे तो। उसके बाद ये देखो भाई, यहाँ पे अपनी और टू वो किट वगैरह रखी हुई, जो जैक वगैरह, जो पंचर वगैरह उसके यूज़ आने के लिए। देन उसके बाद अगर इसको देखें, और जो ये बम्प आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसमें अपनी दो बैटरीज लगी हुई है, जो कि अपनी जैसे मैंने बताया चार्ज हाइब्रिड एसयूवी है ये, तो उसी टाइप से अपने आपको कन्वर्ट करके आप लोगों को अंदर फीचर्स आपको सब दिखाऊंगा। इसको पहले रख देते हैं, और अभी हम बीच में बैठते हैं, बीच का सबसे पहले हम बताएंगे। तो बैठते साथ ऐसा कुछ है भाई, अपना बैग लेके आया है, बैग अपने साइड में रख के बैठ जाओ भाई। जैसे हम इसको अभी बंद किए तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हिसाब से ड्राइवर का एडजस्ट है, और भाई कितना स्पेस है भाई लेग के लिए। अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है, अच्छा खासा मिल जाता है भाई, तो बच्चा है अभी वैसे भी। और उसके बाद अगर हेड स्पेस की बात करें तो इतना कुछ मिलता है, लेकिन जो सफिशियंट जो हाइट के हिसाब से अगर देखें ना, तो यहाँ पे जो बहुत सारे मतलब ऐसे एज अ यूट्यूबर भी बोल रहे हैं, और जो जनरल मैं कस्टमर से मिला हूँ उन लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पीछे भाई जो बड़े लोग रहते हैं ना उनके लिए स्पेस नहीं है। मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि हेड के लिए तो यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा टोयोटा को मतलब टोयोटा मारुति दोनों में मतलब जो ग्रैंड विटार आ रही है इनकी और हाइराडर आ रही है, इसमें सेम चीज़ें यार, इसमें थोड़ा सा हेडरेस्ट अगर देता ना तो दबा के बिकता भाई, फिर भी बिकी रहा है गाड़ी। लेकिन जो एडल्ट के लिए ना यहाँ थोड़ा सा वो दिक्कत करने लग जाता है इन फ्यूचर, अगर आप देख के लेते हैं तो आपके हिसाब से। और अगर मैं इधर अंदर से बात करूं, अंदर अपने को यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने में मिलता है, जो कि क्वालिटी अपनी लेदर की, यहाँ सीट कवर्स वगैरह भी देखने में मिलते हैं। यहाँ पे भी अपने को हेडरेस्ट मिलता है, एंड तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ सीट बेल्ट का ऊपर में दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा काम करता है भाई, जो नीचे रहता है वो लटकते रहता है ऐसा ऐसा, पीछे से कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है पीछे। और यहाँ पे अपने को आर्मरेस्ट, यहाँ पे कप, दो कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एसी वेंट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे सिल्वर का काम हुआ है, और यहाँ दो वेंट्स दिए हुए हैं, ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी एक यूएसबी पोर्ट और एक सी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है चार्जर के लिए, और सम स्पेस दिया हुआ है जैसे आप कुछ रख सकते हैं फ़ोन वगैरह। एंड यहाँ पे लेदर क्वालिटी की है, तो यहाँ पे अपने को पॉकेट होल्डर मिल जाती है दोनों साइड, और यहाँ पे अपने को रीड लैम्प मिल जाती है, जो कि ऊपर ये एलोजन में जलती है, और ऐसे बीच में रखो उस साइड भी दोनों साइड देखने को मिलती है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि ऐसे होता है, बस ड्राइवर साइड नहीं है, बाकी तीनों साइड है। एंड अगर डोर की बात करें, डोर में अपने को यहाँ पे सिल्वर काम मिलता है, एंड यहाँ पे क्रोम का वर्क हुआ है जो आप खोलते हैं बंद करते हैं, और यहाँ पे पियानो ब्लैक का वर्क हुआ है, और ये पे सॉफ्ट टच भाई, यहाँ पे जो लेदर यूज हुआ है ये सॉफ्ट टच में आता है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं उस साइड पे भी, एंड पीछे ट्विटर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है। एंड ऐसा कुछ अभी यहाँ बोटल होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, जो बोटल अपनी कैरी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर स्पेस की देखो तो ठीक ठाक है, बट हेड का थोड़ा दिक्कत हुआ जैसे मैं कस्टमर से मिला हूँ, क्योंकि हम तो दिखा देते हैं लेकिन जो रियल कस्टमर है वही एक सही फीडबैक दे पाते हैं। तो अभी सीधा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आगे यार जैसे मैं खोलता हूँ ना, सबसे पहले अपने को डोर की बात करते हैं। यहाँ पे डोर अपने को मिल जाती है, यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलती है, जो ब्राउन ब्राउन इस टाइप की है, और यहाँ पे सिल्वर कलर में वो दिया, और यहाँ पे क्रोम में है, और यहाँ लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे ट्विटर्स दिए हुए हैं दोनों साइड, और यहाँ पे सामने स्पीकर्स दिए हुए हैं, मतलब टोटल अपने चार स्पीकर और दो ट्विटर्स मिल जाते हैं इसमें। और उसके साथ यहाँ बॉटल होल्डर और न्यूज़पेपर वगैरह कुछ रख सकते हैं यहाँ पे, और सॉफ्ट टच यहाँ पे देखने मिलता है। और अगर इसमें देखें तो ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे भी ऑन है तो इसको फोल्ड हो जा रही है आप लोग अगर दिख रहा होगा तो इसमें, एंड इसको फिर से अनफोल्ड कर देते हैं, एंड यहाँ से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट करके, जैसे राइट वाला को मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। देन यहाँ पे लॉक
ये अनलॉक हो रहा है, ये अनलॉक हो जा रहा है जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, और ये ऑटो वगैरह का है, इसको लॉक कर सकते हैं यार। और जो पावर बटन है ना ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है यार क्रोम में, एकदम से मस्त यहाँ पे ब्लू ब्लू सा। और यहाँ पे एच यू डी देखने को मिलता है, एच यू डी वगैरह के ऑप्शन देखते हैं, और 360 का व्यू भी इसमें देखने को मिलता है, एंड काफ़ी अच्छी बात है ये सब। और यहाँ लाइट के वो सब मिलती है, और यहाँ पे एसी के अराउंड में पियानो ब्लैक का यूज़ हुआ है, एंड डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हैं डुअल टोन में यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ ब्लैक है, और यहाँ पे थोड़ी ब्राउनिश टाइप की जो सॉफ्ट टच यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे इतने की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे 360 देखने को मिल जाती है। जैसे अभी 360 में जैसे ही क्लिक करता हूँ आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो 360 घूम जा रहा है गाड़ी पूरा, अपने आसपास जो भी है दिखा देखने को मिलती है, और इतनी बड़ी अपने को इंफोटेनमेंट देखने मिलती है। और इस साइड अगर क्लस्टर की बात करें, थोड़ा सन आ रही है उस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट इस टाइम MID और टेकोमीटर और स्पीडोमीटर मिल जाती है अपने को इसमें, और इसमें फीचर्स मिल जाते हैं जो ट्रिपी ये वो कर सकते हैं। और अभी हम अगर देखें तो ये ऑटोमेटिक वाली है जिसमें अपने को पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ 12 वॉट का सॉकेट, और यहाँ पे USB कनेक्टर दिया हुआ है, एंड यहाँ पे ट्रैक्शन ऑप्शन मिल जाता है। जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सेफ्टी एयर बैग अपने को सामने दो मिल जाती है, पीछे दो मिल जाती है, क्योंकि तो 4 एयर बैग देखने को मिलते हैं। और इसमें अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ CSG ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पियानो ब्लैक में सिल्वर का काम हुआ है, यहाँ से हैजार्ड ऑन कर सकते हैं आप, जैसे मैं ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल यहाँ पे IRVM मिल जाते हैं, और यहाँ पे सर्ड क्लास होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे अपने को भाई LED किसी में भी नहीं दिया, पूरा हेलोजन अपने को लाइट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे माइक दिया गया है। और इधर देखिए, इधर भी अपने को अच्छी बात है, ये भाई अपने को मिरर देखने को मिल जाती है, और इस साइड भी अपने को देखने को मिल जाती है, दो को पैसेंजर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडियन की फेवरेट होती है सनरूफ, और अभी सनरूफ को ऑन करने के लिए इसको बस इतना करो। और जो क्वालिटी है इसकी कुछ नहीं है भाई, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो कुछ भी नहीं है इसमें। और जैसे ये पीछे गया, अब ये भी अपना होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ, देखो ऐसा कुछ अपना पूरा देखने को मिलती है, ये देखो पूरा मतलब जो है ना सनरूफ वो पूरा निकल जाती है, जिस पैनारोमिक सनरूफ है तो इतना पीछे इस पर चली जाती है और पूरा पीछे हो जाता है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी स्पेस बन जाता है। अभी मैं इस पर खड़े होकर दिखाता हूँ। तो गाइस ये है अपना पूरा लुक अपने फ्रंट से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम सनरूफ में भाई और मैं इंजॉय कर रहा है भाई, और क्या भाई ले लें गाड़ी यूट्यूब पेमेंट से? अरे भाई इतना हम बड़े नहीं हुए जो यूट्यूब पेमेंट से ले सकते हैं भाई, गरीब लोग हैं। तो ऐसा कुछ अभी पूरा अपने देखने में मिलती है, यहाँ पे यार्ड वगैरह है आप लोग देख सकते हैं, रूफ भी अपनी ब्लैक में जो पूरा निकल गई है। चलो अब अंदर की बात करें, जो अंदर से ऐसा कुछ अपनी पूरा देखने को मिल गई है। और अगर इंजन की बात करें, इंजन में अपन चल के बात करते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे दो पैडल्स देखने को मिलता है। अब इंजन की साइड चलते हैं। हाँ चीज़, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे अपने हैंड ब्रेक और यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे देख रहे होंगे। अभी मैं बैठा हूँ, ड्राइवर साइड वाला भी ऑन है, इधर भी अगर बाइक बैठा है तो ये भी ऑन हो जाएगा वेंटिलेटेड। और यहाँ पे EV मोड और ड्राइव मोड यहाँ पे दिया हुआ है, जो पेट्रोल और EV में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ अपने को पूरा देखने को मिलती है। इसको अभी बंद करते हैं और सीधा इंजन की ओर चलते हैं, ओपन करते हैं और इसका पहले बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। यार मारुति से काफ़ी अच्छा है यार, वैसे भी ग्रैंड विटारा अभी यही सेगमेंट गाड़ी है उसको। गाइस ये है अपनी पूरा इंजन की बात, और इंजन अपने को 1500 CC का देखने मिलता है, जो 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलती है। और यहाँ पे अपने को क्लेम करता है इसका माइलेज वो अपनी 28 किलोमीटर कुछ ऐसी है, 27.89 या 98 ऐसी कुछ है, लेकिन वही 28 अगर मान के चल सकते कि अपनी ARI, लेकिन अगर नॉर्मल यूज़ पे अपने को 25 भी दे दी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इंजन की बात करें, इंजन में अपने को 81 BHP का पावर देखने को मिलता है, और 122 Nm का टॉर्क, जो कि यार ठीक ठाक अपने को प्रोवाइड कर जाता है इस गाड़ी। और अभी हम इसका टेस्ट ड्राइव भी लेके देखेंगे कि टेस्ट ड्राइव में कैसे अपनी परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।